हाय फ्रेंड्स, दिस इज टेकिला एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसे आप कोई भी ऐप चलाते हो, कोई भी गेम चलाते हो, तो उसमें एक पॉपअप तो ज़रूर आता है कि विंडोज डिफेंडर ने उसे ब्लॉक कर दिया है या फिर बहुत चीज़ें उसने कर दी है, क्वारंटाइन में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे विंडोज़ डिफेंडर की, तो यहाँ से रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ या फिर ऑन कर सकते हैं, बट स्टिल शटडाउन के बाद या रीस्टार्ट के बाद वो वापस एक्टिवेट हो जाता है, उसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन वापस से ऑन हो जाती है। और जैसे आप कुछ भी चला रहे हैं तो वो बताते रहेगा अपना विंडोज़ डिफेंडर, आप अपडेट कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, चाहे रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ करो, ऑन करो, तब भी उसके पॉपअप्स आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको आज मैं एक ट्रिक बताता हूँ। पहले आपको विंडोज़ प्लस आर दबाना पड़ेगा, विंडोज़ आर, एंड फिर वहाँ लिखना पड़ेगा REGEDIT। जब आप REGEDIT लिख लोगे तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, H की लोकल मशीन में जाना है, और वहाँ जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर में जाना है। जब आप सॉफ्टवेयर पे चले जाओगे, फिर आपको यहाँ पर पॉलिसीज़ ढूँढनी है, एंड पॉलिसीज़ में टैप करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट में जाना है। एंड जब आप माइक्रोसॉफ्ट में चले जाओगे, तब आपको विंडोज़ डिफेंडर पे टैप करना है। तो विंडोज़ डिफेंडर पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर वहाँ पे डिसेबल एंटी स्पाईवेयर आ रहा है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं आ रहा है तो आपको एडिट करके न्यू में जाके डीवर्ड 32 बिट वैल्यू क्रिएट करनी है, और उसका नाम आपको लिखना है डिसेबल विद कैपिटल डी, एंटी विद कैपिटल ए, एंड स्पाईवेयर विद कैपिटल एस। डिसेबल एंटी स्पाईवेयर आपको क्रिएट करनी है वैल्यू, एंड यहाँ पे वैल्यू को आपको 1 पे कर देना है, एंड हेक्साडेसिमल डेसिमल कुछ नहीं छेड़ना है, बस 1 पे कर देना, ओके कर देना, देन आपको क्लोज कर देना है। मैं आपको फिर बता दूँ, न्यू में जाके डीवर्ड 32 बिट वैल्यू आपको क्रिएट करनी है, देन उसके बाद वैल्यू को 1 देना है। अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट है डीवर्ड 32 बिट वैल्यू, डिसेबल्स एंटी स्पाईवेयर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आपको सिर्फ 1 पे कर देना है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। Oh, 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 oh.